जयपुर से अब सारा एक्शन 10 राजा जी मार्ग नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया है, जो कि आवास है मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का। 29 मई बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है राजस्थान के सियासी घमासान में, क्योंकि कांग्रेस की राजस्थान की इकाई में जो दो धड़े हैं सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का, वो आज पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। एक तरफ तमाम राज्यों के नेताओं से बैठकों में राहुल गांधी और खड़गे साहब ने बातचीत की, राय मशवरा करा, लेकिन राजस्थान का आलम यह है कि वहां पे आमने सामने कैसे नेताओं को बैठाएं, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट आंख में आंख डालकर बात करने को तैयार नहीं है, आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है। यही पूरा पेच फंस जाता है और सभी लोग 10 राजा जी मार्ग की ओर देख रहे होंगे राजस्थान के, ये जानने के लिए कि क्या कांग्रेस की जो लड़ाई है तूतू मैमै है वो सुलझ जाएगी। अब आपको बता दें कि देखिए, सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा निकाली, जब वो चिलमिलाती गर्मी में निकले तो उन्होंने विरोध किया वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उनके वो सारे मुद्दे ऐसे थे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या रोजगार का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो सारे मामले ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नाक इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, पकड़ तो आप नाक ही रहे अपनी। तो इशारा और मंजिल और निशाना साफ था और वो था अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया जैसे ही वो दिल्ली लैंड हुए, उन्होंने पार्टी हाईकमांड कितना पावरफुल है ये याद दिला दिया, कहा कि हम मनमानी नहीं चलती है लोगों की, पार्टी हाईकमांड तो बहुत मजबूत है और जो पार्टी हाईकमांड कहेगा वही होना चाहिए। तो पार्टी हाईकमांड से बात करने आए हैं, पर मामला कितना उलझा हुआ है ये आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि खड़गे गहलोत और पायलट से अलग अलग मिलेंगे, एक साथ नहीं, शाम को ये मुलाकात होनी है। तो देखना होगा, बताया जा रहा है कि एक तारीख भी तय होगी जब राजस्थान की डेडलाइट सुलझ जाएगी। एक तरफ अशोक गहलोत को बोला जाएगा कि आप ही सब कुछ नहीं है राजस्थान में, पार्टी सब कुछ है, तो ये गहलोत को समझाया जाएगा, और दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पार्टी आलाकमान से उनको कोई भी खबर कोई भी इशारा नहीं आया एक लंबे वक्त तक, चाहे वो पार्टी का अधिवेशन हो या भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक लंबा जो कहते हैं आप लल कह लीजिए या लंबा गैप कह लीजिए, और उनकी जनसंघर्ष यात्रा के बाद भी। तो ये सचिन पायलट के लिए एक राहत है कि उनको आगे क्या फैसला करना है, उनका सियासी करियर किस तरफ जाएगा, ये बैठक ये तय करेगी, और यही वजह है कि काफी निर्णायक मानी जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सामने है, क्योंकि राजस्थान का संकट सबसे बड़ा संकट था उनके लिए जब उन्होंने कमान संभाली, और वो संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस तरह के जो बादल, मौसमी बादल तो आप देख रहे हैं, पर जो संकट के बादल कांग्रेस के ऊपर घिरे हुए हैं राजस्थान में, वो राजस्थान में कांग्रेस के सियासी अकाल को वापस ला सकते हैं, और यही वजह है कि खड़गे साहब चाहेंगे कि वहां पे भी वोटों की बारिश हो। 24 के चुनावी रण में अगर कांग्रेस को वाकई में सेमीफाइनल्स जीतने हैं, तो सबसे कठिन सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए है राजस्थान का। वो इसलिए नहीं कि बीजेपी वहां बहुत मजबूत है, वो इसलिए कि कांग्रेस वहां पे बुरी तरह बटी हुई है। एक खेमा है अशोक गहलोत का और दूसरा खेमा है सचिन पायलट का, दोनों आंख से आंख तो देखते ही नहीं, मिलाते ही नहीं, और आप जान लीजिए कि अगर गले भी मिलेंगे तो दूरियां और बढ़ जाती है। तो ये आलम चल रहा है। अब सवाल ये है कि आज जब पार्टी आलाकमान यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, वो 10 राजा जी मार्ग जयपुर से एक्शन शिफ्ट हुआ है, उनसे मुलाकात करेंगे, तो कई कयास लगाए जा रहे हैं। खड़गे साहब के सामने एक बार फिर से कर्नाटक की जीत के बाद ये बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, यानी कि अग्नि परीक्षा, कि क्या राजस्थान को आप सुलझा देते हैं। अभी तक लगातार टाला जा रहा था कि भाई अधिवेशन है रायपुर में, उसके बाद पहले तो भारत जोड़ो यात्रा थी, और उसके बाद अब तो कर्नाटक के चुनाव है, लेकिन अब मामला जो है बिल्कुल आखिरी ओवर तक आ गया है।
अगर चुनावी कैंपेन लॉन्च करनी है तो दोनों नेता एक दूसरे को इतना बुरा भला बोल रहे हैं तो ये कैसे चलेगा। जब अल्टीमेटम भी सचिन पायलट का करीब आता जा रहा है तो आप देख लीजिए, महीना मई का महीना खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटम ओवर हो जाएगा। और इसीलिए एक तरफ अशोक गहलोत को भी समझाने की कोशिश होगी कि आप ही सर्वे सर्वा नहीं है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ सचिन पायलट को भी ये समझाया जाएगा, आपने जन संघर्ष यात्रा निकाली, आप जो अशोक गहलोत के सामने के खिलाफ बयानबाजी करते हैं वो बयानबाजी आपको बंद करनी पड़ेगी। और इसी पूरे संतुलन और समन्वय को बैठाने में जिस तरह से राजस्थान के रण में जो कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह है वो सुलझाने में और निपटाने में नाको चने चबाने पड़ेंगे पार्टी नेतृत्व को, पार्टी ये जानती है। और इसी वजह से दोनों को अलग अलग बुलाया गया है, ना कि बाकी प्रदेशों की तरह जैसे कि दिल्ली, पंजाब हो या मध्य प्रदेश, सारे और सभी को एक गुट में बुलाया गया था, संगठन के तमाम नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन गहलोत और सचिन पायलट खड़गे से मिलेंगे, हो सकता है उसके बाद राजस्थान के बाकी नेताओं की भी बैठक हो। लेकिन ये मुझे बताया जा रहा है कि एक निर्धारित टाइमलाइन लगा दी गई है, राहुल गांधी से भी खड़गे साहब की बात हो गई है कि एक निर्धारित टाइमलाइन में राजस्थान की इस रार को निपटाया जाए। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मौसमी सिंह।